स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, अब हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो देखें एम हामिल खान के बारे में जो स्टोरी चल रही थी आपकी। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, व्याकरण के बाद हमारा लिखने का पाठ था। दैट डे एम हामिल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस अलसेस फ्रांस अलसेस। उस दिन एम हैमल हमारे लिए नई कापियाँ लेकर आए थे जिन पर सुंदर गोल लिखावट से लिखा था फ्रांस अलसेस फ्रांस अलसेस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। हमारी कक्षा में तैरते छोटे झंडे जैसे लग रहे थे, लग रहा था हमारी डेस्कों के ऊपर वे झंडे लटके थे। यू आर टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉच। शायद कि आपने देखा होता कि कैसे हर एक व्यक्ति काम में लगा था और कैसी शांत थी कैसी शांत थी। द ओनली साउंड वॉच द स्क्रैचिंग ऑफ पेंस ऑफ स्क्रैचिंग काम लोग चल रहे थे। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेंस ओवर द पेपर। कागज के ऊपर पेन के रगड़ की आवाज़ ही एकमात्र आवाज़ थी और कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम नॉट इवन द लिटलेस्ट वन। वंस हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू। एक बार कुछ उड़ने वाले कीड़े उड़कर अंदर आ गए पर किसी ने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि सबसे छोटे बच्चों ने भी नहीं जो मछली पकड़ने के हुक बना रहे थे। मानो यह भी फ्रेंच ही हो। ऑन द रूफ ऑफ द पिजन्स कुक्ड वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ आई विल दे मेक देम सिंग अ जर्मन इवेंग द पिजन्स। छत के ऊपर कबूतर बड़े धीमे स्वर में गुटरू गु कर रहे थे और मैंने मन में सोचा क्या वे इन कबूतरों से भी जर्मन गवाएंगे। नेक्स्ट पैरा देखें। When ever I looked up my writing, जब भी अपनी लिखाई से सिर उठाकर देखता था I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing then at another as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room। मुझे क्या बोला कि जब भी सिर उठाकर देखता अपनी कुर्सी से, हाँ मुझे एम हामिल अपनी कुर्सी पर बैठे दिखाई दिए, एक के बाद दूसरी चीज़ को देखता हुआ मानो वह स्कूल के कमरे की हर चीज़ को अपनी दिमाग में
बैठा लेना चाहते हैं, हाँ बैठा लेना चाहते हैं। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। कल्पना कीजिए कि 40 वर्ष से वह उसी जगह पर रहे थे, उसी जगह पर रहे थे। विद हिज गार्डन गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लॉथ्स इन फ्रंट ऑफ हिम जस्ट लाइक दैट। खिड़की के बाहर उनका बगीचा और उनकी कक्षा उसके सामने ठीक उसी तरह से सब कुछ दिखाई पड़ रहे थे। ओनली डेस्क्स एंड बेंचेस हैड बीन ओन स्मूथ्स। केवल डेस्क और बेंच घिस कर चिकने हो गए थे। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टालर एंड होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। अखरोट के पेड़ बगीचे में थोड़े लंबे हो गए थे और होप वाइन जो खुद उसने लगाई थी उन्होंने उगाई थी खिड़की से लिपटे हुए छत पर चढ़ गई थी।